कुछ ज्यादा बच्चों का पेपर हो गया है, हो गया है, चलो ले जाओ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। और गाइज देखिए, आज का हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही माहौल अच्छा। और आज का प्रोग्राम हमारा है श्री संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, आज उसी को धूमधाम से हम लोग मनाएंगे और सारी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ गाइज बने रहिए और सारी व्यवस्था आपको वहाँ का दिखाएंगे, जैसे जैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो साथियों, हम आज जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का भी सीन दिखाएंगे और बाबा के बारे में थोड़ा सा आपको जीवन परिचय के बारे में बता दे रहे हैं। तो साथियों, संत गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी के समीप गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था। और गाइज उनका जीवन के बारे में कहें तो बहुत कहना पड़े तभी कम है, क्योंकि संतों में महासंत थे और ज्ञानी पुरुष थे और क्या नाम है गाइज, वो समाज सुधारक भी थे कि समाज के लिए क्या नहीं किया है उन्होंने, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि आज इस मुकाम पे हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं। तो साथियों ठीक है वहाँ तक। तो और उनका मृत्यु 1540 ईस्वी में हुई थी और क्या नाम है कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस जितना आपको छोटा सा प्रोग्राम में मैं बता दे रहा हूँ अपना, और वहाँ का भी सीन दिखाऊंगा। तो साथियों ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहे और महिमा माई से यहाँ से मुलाकात कराएंगे, उसके बाद वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। सुबह से आज वीडियो बना रहे हैं और शाम तक का वीडियो आपको मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो ठीक है साथियों, मैं यहाँ बैठी है, महिमा क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग, आप सब क्या कर रहे हैं? बढ़िया है, रविदास जयंती के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस देखिए, मधु वहाँ खाना खा रही है और पिताजी वहाँ जा रहे हैं कुछ पाइप वाइप का काम करने, यहाँ देखिए। और माहिश जाएंगे परीक्षा देने बाबा साहब के स्थान पे। तो गाइस ये महिमा और माहिश जाएंगे परीक्षा के लिए, तो वहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे, अगर समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो महिमा और माहिश दोनों जाएंगे। माहिश तुम बोलो। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? चलो तकलीफ तो कर लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं परीक्षा देने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यहाँ, भीमराव अम्बेडकर स्थल पे, ऐसे बोला जाता है। ठीक है गाइस, लोग भी छोटी अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है आगे भी मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट जगह के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं। अभी फिलहाल में अपने ही घर पे हैं और हम लोग खाना वाना अपना खा लिए हैं और महिमा माई अभी खाएंगे सब, दिखाएंगे तो उधर जाएंगे हम, हो सके नहीं जा पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, अगर जाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। ठीक है हमारे साथ, जैसा कि गाइस हम अपने दुकान बंद करके और यहाँ से निकल रहे हैं बाबा साहब के स्थल पर जाने के लिए, और यहाँ जो बच्चों का कार्यक्रम यहाँ छोटा मोटा मनाया जा रहा है तो आपको यहाँ का दिखा रहे हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, परीक्षा बच्चों का हो रही है तो वहाँ जाएंगे, तो वहाँ से आपको फिर यहाँ भी दिखा रहे हैं, एक बार वहाँ भी जाएंगे तो दिखाएंगे। तो ठीक है साथियों, यहाँ से चलते हैं फिर आगे दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि हम बाबा साहब के स्थल पर फिलहाल में आ गए हैं और यहाँ का सीन आपको दिखाएंगे, फिलहाल में पहुँचे हैं अभी, तो ठीक है चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं अंदर का भी लोकेशन क्या हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चों के 1 से 8 तक का परीक्षा कार्यक्रम रखा गया जो कि भी बहुत ज़्यादा से हो रहा है, आगे भी दिखाएंगे और हमला थोड़ा शांत हो जाती है। तो ठीक है साथियों, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ के कर्मचारी मेन मेन है और इधर बच्चे हैं पूरा, तो सारे बच्चों से मिलवाएंगे, एक बार देखेंगे क्या हो रहा है। लोग बाबा इस बच्चे के बारे में लिखेंगे तो उसको आप लोगों के साथ में दिखाएंगे कैसा है, इन लोगों का लिखाई और जानकारी जानकारी का ये विषय रखा गया है, कोई खास नहीं है। तो साथियों, हम बाबा साहब के स्थल पे फिलहाल में हैं और रविदास जयंती के उपलक्ष में ये सारा प्रोग्राम रखा गया है, जिन्होंने बच्चों को प्रतियोगिता के रूप में दिया जाएगा इनाम, तो इनाम में दिया जाएगा जो उचित होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके हिसाब से दिया जाएगा। और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम ये शुरू किया गया है, अभियान समझ लीजिए, कार्यक्रम सोच लीजिए। तो इस अभियान में हमें जागरूक करना है सारे बच्चों को कि अपने महापुरुषों का नाम पता तो कम से कम जान जाए कि नहीं कैसे थे, क्या कर रहे थे और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या किया है इन्होंने। तो दोस्तों, बच्चों को जितना अपने अपने घर से जानकारी मिली है या फिर पढ़ाया गया है उतना लिख रहे हैं। और बाकी समझ में आएगा तो दोस्तों, हर बच्चे उतना जानकार नहीं है फिर भी लिख रहे हैं। काली कथा हो, ठीक है ठीक है, लिखा लिखा सही है, तू काली कथा हो, लिखा 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 लिख दा, कुछ लिखत रहा तब बने जन्म। दोस्तों, परीक्षा कार्यक्रम आरंभ एकदम बिल्कुल चल रहा है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आएगा उसको इनाम के रूप में दिया जाएगा। बच्चों को छोड़ दिया गया प्रसाद देकर, अब ये सब बच्चे जा रहे हैं। जाओ 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 जाओ, निकलो निकलो निकलो, अपना अपना प्रसाद लेकर जाओ। महिमा माई निकल कर प्रसाद अपना ले रही हैं अपने कपड़े में। तो ठीक है साथियों, यहाँ का भी कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, हो ही गया है लगभग। तो